सो प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो देखो क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में. फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ मयूर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड. किसका बेटा? मयूर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है एज ऑन 31st March 2016 and 2017. कभी क्या है? 31st March 2016 and 2017. ओके चलो बैलेंस शीट अपने को दिया बेटा. लाइबिलिटीज 2017-16. अभी देखो इधर क्लोजिंग 17 इधर दिया है, ये क्लोजिंग है और ये 16 आपका ओपनिंग है. ठीक है बराबर. लाइबिलिटीज है और इधर असेट्स है. चलो आ जाओ सबसे पहला है शेयर कैपिटल. बेटा शेयर कैपिटल का क्लोजिंग है 5 लाख, ओपनिंग भी 5 लाख है, मतलब नो चेंज, कुछ भी मूवमेंट नहीं है. देयर इज नो कैश इनफ्लो नो कैश आउटफ्लो. सो खत्म, गेम ओवर, कुछ देखने का नहीं, फिनिश. नेक्स्ट आपका देखो क्या दिया है. जनरल रिजर्व है. क्या है बेटा? जनरल रिजर्व. तो देखो जनरल रिजर्व पहले कितना था, पहले देखो कितना है 125 और करंट ईयर में कितना हो गया 150. इसका मतलब क्या हुआ? रिजर्व्स ट्रांसफर हुआ है ना बेटा 25 से, बराबर है, 25 से 50 हुआ, मतलब रिजर्व्स में ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ओके तो क्या कर दोगे आप? प्लस कर दोगे, नॉर्मल सी बात है. ठीक है ट्रांसफर हुआ है ना जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पता है ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए प्लस करना पड़ता है. ठीक है फिर आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले कितना था 76,250, अभी कितना है 76,500, मतलब इंक्रीज हुआ ना, भले 250 से इंक्रीज हुआ लेकिन इंक्रीज तो हुआ प्रॉफिट है कि नहीं, तो वो भी दिखाना है अपने को. उसके लिए तो सिंपल सा फंड है, स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं आप भाई नेट प्रॉफिट निकालने के लिए? क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, क्लोजिंग पीएनएल माइनस ओपनिंग पीएनएल, फटाफट खत्म सिंपल. ठीक है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट 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 पॉइंट. ठीक है नेक्स्ट टर्म लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई. क्या बोल रहा है? टर्म लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई देखो पहले कितना था, प्रीवियसली इट वॉज 1,75,000, अभी कितना है 155. ओह माय गॉड व्हाट इज दिस भाई, 175 से 155 हुआ, मतलब कम हुआ ना, तो इसका मतलब आपने लोन पेमेंट किया होगा ना, लोन रिपेड किया होगा, लोन रिपेड किया होगा तभी तो कम होगा, नहीं तो कैसे कम होगा रे, होगा क्या? नहीं ना, तो 20,000 का कैश आउटफ्लो हो जाएगा ना इधर, खत्म. और भी वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इधर बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, समझे? मालूम पड़ा? समझे कि नहीं? चलो आ जाओ नेक्स्ट. आगे है सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्या दिया इधर? सुंदरी क्रेड सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो 275 है, अभी कितना हो गया 231,250. भाई पहले 275 था, अभी 231,250 है. देखो ये क्या है अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटी है, पता है ना? करंट लाइबिलिटी के लिए सिंपल ट्रिक बताया मैंने, सिंपल ट्रिक. क्या ट्रिक बताया करंट लाइबिलिटी के लिए बेटा? एकदम नॉर्मल सा ट्रिक है करंट लाइबिलिटी के लिए. क्या करने का? देखो करंट लाइबिलिटी पहले 275 था, अभी 231,250 है, तो करंट लाइबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. अच्छा लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो अपने लिए एक तरह से अच्छा है ना, बेनिफिट है ना. और आपको पता है ये वर्किंग कैपिटल है, करंट असेट और करंट लाइबिलिटी क्या है? वर्किंग कैपिटल है. तो आपको निकालना पड़ता है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद सब एडजस्ट करते हो, तो ये ऑपरेशंस में आ जाएगा. किस में आ जाएगा? ऑपरेशंस में. और मैंने बताया ऑपरेशंस में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक सब अपोजिट साइन यूज होगा, अपोजिट साइन, रिवर्स कैलकुलेशन यूज होगा. ठीक है रिवर्स कैलकुलेशन यूज होगा मतलब क्या? एकदम सिंपल सा ट्रिक, ज्यादा सोचने का नहीं. क्रेडिटर्स अगर कम हो रहा है तो अपने लिए लाइबिलिटी कम हो रहा है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं. प्रॉफिट है तो क्या करते हो आप? रिवर्स कैलकुलेशन में प्रॉफिट होता है तो माइनस, सिंपल सा फंडा, खत्म. तो माइनस करने का. और नॉर्मली नॉर्मल लॉजिक क्या, आपका क्रेडिटर कम हो रहा है मतलब आप पेमेंट कर रहे होगा ना उसको, पेमेंट करोगे तो पैसे जाएगा ना रे बाबा, माइनस है कि नहीं? बराबर है. तो सिंपल सा फंडा, इतना लोग सोचते नहीं है, तो सिंपल सा लॉजिक बताया मैंने, सिंपल सा ट्रिक बताया कि क्रेडिटर्स आपका करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी कम हो रहा है तो सोच लेने का प्रॉफिट. ये ट्रिक वाला है बस समझने के लिए. क्रेडिटर कम हुआ वर्किंग कैपिटल में, क्रेडिटर कम हुआ तो अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो क्या करना है? माइनस. क्योंकि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक हम लोग अपोजिट साइन लेके चलते हैं, अपोजिट साइन मतलब रिवर्स कैलकुलेशन, प्रॉफिट हुआ तो माइनस, लॉस हुआ तो प्लस, वही लेके चलते हो ना, बराबर है. चलो
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. अब टैक्स का प्रोविजन है, ठीक है, टैक्स का प्रोविजन है तो देखेंगे ना, टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो उसके लिए अकाउंट बनाएंगे. यस है, इट इज गिवन. देखो इधर इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर द ईयर 75,000. यस इट इज गिवन, एडजस्टमेंट इज गिवन. सो वी विल गोइंग टू मेक एन अकाउंट बडीज, वी विल गोइंग टू मेक एन अकाउंट. No need to worry about that. Okay. Now see everyone. See assets. In assets, what is given? Premises is given. Chalo, premises kya hai? Pahle 5 lakhs ka tha, abhi 475 ho gaya. Aray bhai, premises 5 se 5 lakhs se 475, matlab kya hua rahega? Value down hua rahega. Theek hai. Dekhenge. Machinery 375 se 420 to 500. Badh gaya machinery. To purchase kya hoga? ओके okay, वो भी देख लेंगे. ये भी आपका, ये सब क्या है अपना मशीनरी आप परचेस करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. इक्विपमेंट्स के लिए क्या बोल रहा है, 45 से 40,500 हो गया. अरे भाई 45,000 से 40,500 हुआ तो कम हुआ ना रे बाबा, तो हो सकता है डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा, हो सकता है रे भाई डेप्रिसिएशन. ओके अब इतना स्लाइट अमाउंट चेंजेस है तो डेप्रिसिएशन होगा, उस फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन ही होगा, और क्या होगा रे बाबा, और क्या होगा, समझा. अच्छा स्टॉक है, डेटर्स है, मतलब सन्ड्री डेटर्स, नॉट सुंदरी डेटर्स. सो स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, कैश और बैंक तो पता है आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो लास्ट में आ जाएगा. क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आपका लास्ट में आएगा, समझा. चलो स्टॉक और डेटर्स आपका करंट एसेट है. बेटा करंट असेट के लिए सिंपल सा ट्रिक बताया मैंने, वो ट्रिक याद रखो, कभी गलत ही नहीं होएगा फिर, ठीक है. अभी देखो स्टॉक क्या 1,74,000 हो गया, स्टॉक कम हो गया. क्या बोला मैंने, करंट असेट कम हो गया, करंट असेट कम हो गया रे बाबा. करंट असेट कम हो गया तो असेट कम होगा तो अपने लिए लॉस, लॉस होगा तो क्या करने का, प्लस, प्लस करने का कि माइनस करने का, बोलो. अरे भाई करंट असेट पहले कितना था, 1,00,000 था, अभी हो गया 74. सिंपल सा लॉजिक देखो, करंट असेट पहले 1,00,000 था, अभी 74 हो गया, तो करंट असेट कम हो गया यार. असेट कम होता है तो अपने लिए क्या होता है, असेट कम हुआ तो अपने लिए क्या है, लॉस है कि फायदा है, बराबर है. असेट कम हुआ तो अपना लॉस है ना, और लॉस होता है तो क्या करना है अपने को, इसको प्लस करना है ना. सिंपल सा फंड है यार, सिंपल सा लॉजिक. लॉस हुआ तो क्या करना है अपने को, प्लस करने का, प्लस करने का कि नहीं करने का, बस वही चीज याद रखने का, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं. और नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से देखो क्या, अभी 1,00,000 था पहले स्टॉक, 1,00,000 था, अभी 74, मतलब स्टॉक बेचा रहेगा, बेचा रहेगा तो पैसा आया रहेगा, आया रहेगा, पैसा आया, आया तो प्लस कर दो, खत्म. सिंपल लॉजिक, ठीक है. और ट्रिक वाला लॉजिक अपना बहुत काम आता है, याद रखो कि स्टॉक अपना कम हुआ तो कम हुआ तो क्या हो गया, लॉस, लॉस हो गया तो प्लस करना है. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक हम लोग निगे अपना रिपोजिट साइन पॉलिसी, अपोजिट, हां रिपोजिट नहीं, अपोजिट साइन पॉलिसी फार्मूला यूज करते हैं. बस आज जो सुंदरी डेटर्स, डेटर्स सुंदरी डेटर्स, डेटर्स प्रीवियसली था 2,00,000, अभी 1,60,000. ओ माय गॉश, व्हाट इज दिस, 2,00,000 से 1,60,000 हुआ ना भाई. डेटर कम हो गया, डेटर कम हो गया, अरे असेट कम हो गया, असेट कम हो गया, असेट कम हो तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो प्लस करने का ना, बस काय को इतना दिमाग लगाता है. और सिंपल लॉजिक क्या, डेटर्स 2,00,000 से 1,60,000 हो गया, मतलब डेटर ने पैसा दिया रहेगा तो पैसा आया, आया कैश फ्लो आया, आया तो प्लस करने का, बस खत्म, फिनिश, समझा, याद रखो. तो ये भी प्लस हो जाएगा, कितना प्लस करने का, अरे भाई प्लस कितना करने का, जो डिफरेंस रहेगा वो अमाउंट प्लस करने का बाबा, समझे क्या. 1,00,000 से 74 मतलब कितना डिफरेंस आया वो प्लस करो, 2,00,000 से 1,60,000 कितना डिफरेंस आया, दैट विल बी एडेड, अरे बाबा हाई कि नहीं, समझा. चलो नेक्स्ट, कैश एंड बैंक. देखो कैश एंड बैंक इज व्हाट योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये तो आप फाइनल, फाइनल जब भी करोगे एट लास्ट यू हैव टू शो दिस, बराबर है. जो भी नेट डिक्रीज या इंक्रीज आएगा उसमें कैश एंड बैंक बैलेंस अपने को प्लस करने का, ओपनिंग वाला प्लस करने का, क्लोजिंग वाला निकालने का, खत्म. अच्छा अभी क्या दिया, गुडविल, गुडविल नहीं गुडविल, गुडविल देखो गुडविल. पहला कितना था, पहला 12,500 था, सॉरी प्रीवियसली इट वाज 12,500,
नाउ इट इज जीरो. अरे हीरो, पहला 12,500 था, अभी जीरो हो गया. तो भाई गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया होगा ना यार, इसीलिए तो जीरो हुआ, नहीं तो कैसा होएगा? राइट ऑफ नहीं करेगा तो गुडविल जीरो कैसा होएगा बताओ मेरे को? अपने आप उड़ जाएगा क्या गुडविल? नहीं ना. तो 12,500 से जीरो हो गया तो राइट ऑफ हो गया, इतना अमोर्टाइज हो गया आपका गुडविल, रिटर्न ऑफ कर दिया. तो गुडविल रिटर्न ऑफ कर दिया, अरे भाई गुडविल असेट कम हो गया तो लॉस हो गया ना रे बाबा. लॉस हो गया तो क्या करते हैं अपन? प्लस करते हैं. ठीक है, लॉस झाले रे बाबा, लॉस. सो लॉस विल बी व्हाट? एडेड. बराबर है. अब ये गुडविल क्या है? नॉन कैश. गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ तो नॉन कैश आइटम है ना, बराबर है. और नॉन कैश आइटम किधर आता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता ही है ना बेटा. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के पहले सब एडजस्ट करते ही हो ना यार, है कि नहीं? बराबर है, बोला कि नहीं? याद रखने का, भूलने का नहीं, समझा? चलो तो 12,500 से इधर नील हो गया तो भाई इतना रिटर्न ऑफ हो गया. रिटर्न ऑफ हो गया तो प्लस करो, समझा कि नहीं? चलो उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है, और क्या दिया है रे बाबा? चलो डिविडेंड है, इंटरिम ऑफ 25,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर. देखो पहला इंटरिम डिविडेंड तो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए प्लस कर दोगे. और इंटरिम डिविडेंड का सेकंड इफेक्ट इज व्हाट? सेकंड इफेक्ट इज व्हाट? व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम इंटरिम इंटरिम, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ ना बेटा. ये क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दो कैश आउटफ्लो करके, दैट्स इट. सवाल इतने उठता रे बाबा, समझा क्या? तो 25,000 आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी दिख जाएगा. नॉर्मल सी बात है, आप फाइनेंस कर रहे हो शेयर्स, आप अगर शेयर्स ले रहे हो तो आपको डिविडेंड भी तो देना है कि नहीं? दोगे तो अच्छी बात है भाई, शेयर होल्डर खुश रहेगा तभी सब कुछ होएगा, नए शेयर होल्डर भी आएंगे, समझे? और एग्जिस्टिंग बने रहेंगे. चलो तो 25,000 ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इंटरमीडिएट फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस इज प्रोवाइडेड एट 5%. डेप्रिसिएशन आपको 5% प्रोवाइड करना है प्रीमाइसेस पे. ये देखो प्रीमाइसेस, अरे इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है प्रीमाइसेस पे 5% के हिसाब से. बरका बरका, याद रखने का, कितना परसेंट? 5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, एडजस्टमेंट दिया है तो हम लोग देखो क्या बोला मैंने, फिक्स असेट. क्या बोला है मैंने? फिक्स असेट और टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ भी दिखा आपको एडजस्टमेंट में, तो सिंपल सा फंडा क्या करने का, आग बंद करके अकाउंट बना लेने का, वर्किंग नोट खत्म. बना लो ना यार, क्या हर्ज बनता है? अकाउंट बनाओगे अच्छी बात है, लाइफ में भी अकाउंट अपना रखने का, हिसाब किताब बराबर है, इधर से प्रैक्टिस करो फिर. चलो तो इसके लिए प्रीमाइसेस के लिए अकाउंट बना लेंगे. मशीनरी ऑफ ₹75,000 वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, मशीनरी के लिए भी अकाउंट बना लेंगे. मशीनरी के लिए भी एडजस्टमेंट है, वो भी फिक्स एसेट है. ठीक है, बराबर है. उसके बाद इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर द ईयर 75,000 है. इनकम टैक्स प्रोविजन, टैक्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, उसके लिए भी अकाउंट बना लेंगे, मेक अकाउंट. ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया अपना. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन. अरे वो तो आ जाएगा यार, सब एक ही में आ जाए, टेंशन मत लो. पहले ऑपरेशंस का ही हम स्टार्ट करते हैं ना बेटा. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग, तीनों को एडजस्ट करने का, प्लस माइनस करके उसके बाद हमारा आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. उसमें ओपनिंग वाला, मतलब ये वाला ओपनिंग किधर है, ये वाला प्लस कर देने का तो अपने को क्लोजिंग मिल जाएगा, समझा? और क्लोजिंग मिल जाएगा तो एग्जामिनर भी हिल जाएगा. वाह क्या बात है, निकल लिया इसने. ठीक है, चलो ये अपना क्वेश्चन है बेटा, अब इसी के बेसिस पे अपने को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट कर लेते हैं, सबसे पहले टेंशन नहीं, पहले वर्किंग नोट करके काम खत्म करो. बराबर है, वो हो गया तो सब हो गया समझो. ठीक है, चलो वर्किंग नोट करने का बेटा. वर्किंग नोट में क्या बोला मैंने, देखो फिक्स असेट के ऊपर किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? प्रीमाइसेस के ऊपर है, मशीन के ऊपर है, उसका वर्किंग नोट बना लेंगे. फिर टैक्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो उसका भी वर्किंग नोट बना लेंगे. तीन वर्किंग नोट चलो बना लेते हैं, अच्छे से काम खत्म करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं. उसके बाद अपना आराम से हम लोग पूरा समझ समझ के स्टेप बाय स्टेप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, याद रखना, समझा? चलो लेट्स गेट रेडी. चलो सो फर्स्ट वी विल डू द वर्किंग नोट, जिसके जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, फिक्स असेट और इन्वेस्ट. देखो फिक्स असेट और टैक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो उसका वर्किंग नोट बना लिया हमने. प्रीमाइसेस,
मशीनरी और प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसको चाहिए तो वर्किंग नोट नंबर 1 दे दो, ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 3। चलो आ जाओ फटाफट, प्रिमाइसेस क्वेश्चन में देखो, प्रिमाइसेस का ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कितना है प्रिमाइसेस का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज 5 लाख ना, क्लोजिंग कितना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग भी दिया आपने को कितना है 475, ठीक है। और प्रिमाइसेस के लिए डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना परसेंट है, 5% ऑन ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कितना 5 लाख, तो 5 लाख का 5% कितना आ गया 25,000, ठीक है टैली कर लो, बाकी तो कुछ है नहीं, तो कितना हो गया, अच्छा ये तो टैली हो गया 5 लाख 5 लाख, ओके क्योंकि कुछ है ही नहीं। चलो मशीनरी का आ जाओ, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, भाई असेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा, मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है 375, क्वेश्चन में देख लो ओपनिंग बैलेंस मतलब 2016 का अमाउंट बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 422,500, ठीक है। चलो अभी इसके ऊपर क्या है अपने पास, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन तो है नहीं, हाँ इधर मशीनरी के लिए बोल रहा है टू एक्वायर किया आपने, एक्वायर मतलब खरीदा है, तो टू कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दिया है एक्वायर का 75,000 का एक्वायर किया वो दिखा दिया, एक्वायर किया तो खरीदा, खरीदा मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इधर बैलेंसिंग फिगर वो क्या हो जाएगा भाई क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर मतलब असेट का डेप्रिसिएशन हो गया, कितना हो गया डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 27,500, दैट्स इट। और ये टैली कैसे आएगा, ये टैली करोगे तो मालूम पड़ जाएगा ना, 4,50,000 में से 4,22,500 माइनस किया तो 27,500 आ गया ना, खत्म, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, शायद अभी होगा नहीं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पता है ना, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है क्वेश्चन में देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा क्रेडिट में, प्रीमाइसेस और मशीन क्या थे असेट, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आया, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, ठीक है।